उत्तराखंड एलटी के इस पेडागॉजी लेक्चर सीरीज़ में हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है शिक्षण की विधियाँ या टीचिंग मेथड्स। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षण विधियाँ जो हैं, ये पठन पाठन को क्या करती हैं, आनंदमयी और बहुत ही ज़्यादा क्या बनाती हैं, इंटरेस्टिंग बनाती हैं। ठीक है, शिक्षण का अर्थ है अध्ययन करना। हमें पता है कि टीचिंग का जो अर्थ है वो क्या है, एक तरह से अध्ययन करना है। तो शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो शिक्षण विधि का अर्थ है यहाँ पे तरीके से, कि कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या तरीका है, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि ये एक तरह से वह तरीका जिनका प्रयोग करते हुए शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, उन्हें शिक्षण विधियाँ कहते हैं। शिक्षण विधियों का जो संबंध है वो विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से है। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे टीचर जो है कोई विषय वस्तु वो बता रहा है, तो एक तरह से उसको क्या कर रहा है, वो कितनी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुतिकरण उसका कर रहा है, उसी को हम एक तरह से क्या कह रहे हैं, शिक्षण विधियाँ कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कुछ टीचिंग मेथड्स की और उनके प्रतिपादक की, जो कि एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो आइए देखें इनको। सबसे पहले हम बात करते हैं आगमन विधि, जो कि बेकन के द्वारा दी गई है। निगमन विधि अरस्तु के द्वारा दी गई है। खेल विधि कॉल्ड वैक कुक के द्वारा दी गई है। उसके बाद यहाँ पर है प्रश्नोत्तर विधि और समस्या समाधान विधि और संवाद विधि, ये दी गई है सुकरात के द्वारा। प्रोजेक्ट विधि होती है वो दी गई है विलियम किलपैट्रिक के द्वारा। डेक्रोली विधि ओविड डेक्रोली के द्वारा दी गई है। किंडरगार्टन फ्रोबेल के द्वारा दी गई है। फिर आती है मारिया मोंटेसरी, इन्होंने दी है मोंटेसरी विधि। ह्यूरिस्टिक विधि अनुसंधान और खोज विधि, ये दी है आर्मस्ट्रांग ने। नेक्स्ट है डाल्टन विधि, ये दी है मिस हेलेन पार्क हर्स्ट ने। ब्रेल लिपि की बात करें तो ये लुई ब्रेल के द्वारा दी गई है। प्रयोजना विधि किलपैट्रिक। बेसिक शिक्षा विधि जो है ये हम सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने दी है। वैज्ञानिक विधि जो है वो दी है गुडवार व स्केट्स ने। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी ने दी है। इतिहास विधि टाइडमैन ने दी है। अंतरदर्शन विधि दी गई है विलियम वुंट महीवनरी के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका समाज मिति विधि, जो है वो जे एल मुनरो ने दी है। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड ने दी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दी गई है। और सूक्ष्म शिक्षण विधि जो है वो एथेसन व रॉबर्ट बुश ने दी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके टीचिंग मेथड्स और उनके प्रतिपादक थे, और इनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अब हम कुछ विधियों को ऐसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठशाला विधि। जैसे कि नाम से ही हम देख रहे हैं पाठशाला विधि के बारे में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। कैसी? सबसे प्राचीन शिक्षण विधि। और इसमें जो एक तरह से जो स्टूडेंट्स होते थे वो क्या करते थे, वो गुरु के पास जाके शिक्षा लेते थे। ठीक है, जैसे गुरुकुल, पुराने टाइम पे गुरुकुल की बात होती है, या ऐसे स्कूल्स जो बिल्कुल बहुत दूर होते हैं, ठीक है, भीड़ भाड़ से दूर होते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे पाठशाला विधि में बताया गया है। इसमें छात्रों के पास एक नियमित क्या होती थी, दिनचर्या होती थी, और उसको उनको फॉलो करना होता था। जैसे कि नियम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करना होता था इनको। ठीक है, पाठशाला विधि को व्यक्तिगत शिक्षण विधि भी कह रहे हैं। ठीक है, कौन सी विधि, व्यक्तिगत शिक्षण विधि भी कह रहे हैं। पाठशाला विधि में संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, संस्कारों की शिक्षा दी जाती है, और इनको जीवन के महत्व को समझाया जाता है, कि जीवन का क्या महत्व है उसके बारे में इसको समझाया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि हम थोड़ा पहले भी एक बार ही देख चुके हैं। ठीक है, तो मेनली क्या है, विश्लेषण में अगर टीचर कोई
पार्ट पढ़ाना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको कुछ कुछ भागों में उसको बांट लेता है। उसके पश्चात सभी भागों का वो क्या करता है, एक तरह से वर्णन करता है। अब ये जो विधि है, ठीक है, ये एक शिक्षण सूत्र पे बेस होती है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। तो वो कौन सी विधि है जिसमें एक तरह से शिक्षण सूत्र यूज़ हो रहा है, कौन सा पूर्ण से अंत की ओर यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, किसमें, विश्लेषण विधि में। व्याकरण तथा कहानी शिक्षण करते समय इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जब आप कहानी कर रहे हो या फिर व्याकरण बता रहे हो बच्चों को, तो वहाँ पे इसका इसका ज़्यादा रोल होता है। और इसके द्वारा क्या होता है, जो बहुत ही जटिल विषय भी होंगे उनको आसानी से समझा जा सकता है। इस विधि द्वारा विषय को विस्तार पूर्वक, यानी कि आप सिर्फ आप एक तरह से उसको आसानी से समझा नहीं सकते, बल्कि इसको अच्छे से बहुत क्या कर सकते हो, विस्तार पूर्वक उसको डिफाइन भी किया जा सकता है। संश्लेषण विधि की बात करें, इस विधि में सिंथेसिस में क्या करते हैं, हम छोटे छोटे विषयों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, जोड़कर पढ़ाया जाता है। संश्लेषण तथा विश्लेषण दोनों विधियाँ आपस में संबंधित रहती हैं। और संश्लेषण के लिए भी क्या है, एक सूत्र है जो कि है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र, इसमें प्रयोग होता है। और जो संश्लेषण विधि है उसको मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा गया है, ठीक है, किसको कहा गया है, संश्लेषण विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा गया है। नेक्स्ट आती है आपकी व्याख्यान विधि। अब देखो व्याख्यान विधि क्या है, ऐसी समझ में आ रहा है हमें कि कुछ व्याख्या करनी है, कि कुछ मुंह से बोलना है। तो ये बोलता है कि जो शिक्षक, इस विधि में जो शिक्षक है वो मौखिक या फिर लिखित रूप से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। शिक्षक सक्रिय रूप से अपने विचारों को प्रकट कर लेता है, ठीक है, और जो छात्र शिक्षक की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं, और जब इम्पॉर्टेंट उनको लगे तो वो क्या करते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं, नोट्स मेकिंग भी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। व्याख्यान विधि में कथन प्रविधि, प्रवचन प्रविधि, ठीक है, चौक तथा वार्ता प्रविधि का भी प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग टाइप्स बता रखे हैं कि कैसे, जैसे प्रवचन है या आपकी कैसी वार्ता यानी कि कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, तो ये चीज़ें भी इनमें आती हैं। शिक्षक अच्छे उदाहरण देकर विषय को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इस विधि द्वारा विषय को कम से कम पढ़ाया जा सकता है, मतलब कम समय में एक तरह से पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आती है आपकी प्रयोजना विधि, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंपल से सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयोजना विधि को, बोलते हैं आधुनिक विधि, और इसके प्रतिपादक हैं W.H. किलपैट्रिक, जिनके जो कि शिष्य हैं जॉन डीवी के, ठीक है। क्या क्या, सबसे पहले आधुनिक विधि, दूसरा बोलते हैं W.H. किलपैट्रिक ने इनको प्रवर्तक हैं इसके, और जो जॉन डीवी है वो किलपैट्रिक के शिष्य हैं। सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा बोल गया कि जो W.H. जो किलपैट्रिक हैं वो क्या हैं, जॉन डीवी के शिष्य थे, ठीक है। तो अब देखो किलपैट्रिक ने क्या कहा था कि जो एजुकेशन है, इन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, इस प्रकार दी जानी चाहिए जिससे कि जो जीवन है वो क्या हो, एक मतलब बहुत समर्थ बन जाए, ठीक है। एजुकेशन ऐसी हो जिससे कि आप क्या कर सकते हो, जीवन को और आगे ले चलो या फिर एक तरह से समर्थ बनाओ से। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है, किस पे बेस्ड होती है, अनुभव पे बेस्ड होती है। छात्रों के समाजीकरण पर प्रयोजना शिक्षण विधि विशेष बल देती है, ठीक है। अब देखो जो सामाजिक विषयों के शिक्षण में इसे भले प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता, मतलब इसको आराम से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इस विधि से छात्रों को मौलिक चिंतन क्रियाओं तथा अनुभव द्वारा सीखने के अवसर मिलते हैं, ठीक। और इस विधि में जो छात्र है वो अधिक क्रियाशील रहता है और स्वयं अनुभव करके सीखता है। नेक्स्ट आती है आपकी बेसिक शिक्षा विधि। तो बेसिक शिक्षा विधि के बारे में हम सबको पता है, इसको हम वर्धा योजना भी बोलते हैं, ठीक है। यूपी में इसी को बोला जाता है वर्धा शिक्षा या फिर बेसिक शिक्षा, और मध्य प्रदेश में इसको बोला जाता है विद्या मंदिर योजना। तो ये सारे के सारे अलग अलग नाम है, ठीक है ये बेसिक शिक्षा या वर्धा योजना ही है। इसके प्रतिपादक है महात्मा गांधी। अब हुआ ये था कि जो गांधी जी थे उन्होंने ये अनुभव किया कि जो
आजकल जो चल रही है चलन में जो अपनी शिक्षा प्रणाली है वो हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनका डायग्नोसिस या निदान नहीं कर पा रही है, ठीक है, मतलब वो असमर्थ है, इसीलिए इन्होंने क्या करा, इसका बेसिक शिक्षा का एक तरह से उन्होंने उसको लागू किया। तो इन्होंने बताया कि जो उन्होंने एक ऐसी शिक्षा योजना का निर्माण किया जो कि जो देश की निर्धनता, निरक्षरता, परतंत्रता और शिक्षा प्रणाली की निरस्ता को मिटा डाले। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने चार मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए थे। अब जो चार मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं इनमें से पहला है आत्म शिक्षण, दूसरा आता है इसमें क्रिया द्वारा सीखना, तीसरा आता है इसमें अव्ययिक शिक्षा और चौथा आता है इसमें श्रम के प्रति आदर। ठीक है, तो ये चार अलग अलग क्या थे, इसके सिद्धांत थे, आत्म शिक्षण, क्रिया द्वारा सीखना, अव्ययिक शिक्षा, श्रम के प्रति आदर। ठीक है, तो ये थी बेसिक शिक्षा। अब हम देखेंगे खेल विधि। देखो खेल विधि की अगर हम बात करें, सबसे पहले इनको दिया था कॉडविल कुक ने, और कॉडविल कुक की एक बुक है जिसका नाम है प्ले वे। इसकी सबसे पहले एक तरह से इन्होंने प्रयोग जो किया था वो अंग्रेजी पढ़ाने के संबंध में किया था। खेल विधि में खेल विषय जो होगा मैं अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है, अनेक अनेक बहुत सारे इसमें सिद्धांत बने। तो खेल विधि में खेल के विषय में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। वो क्या क्या प्रतिपादन, कौन कौन, किसने किया है, देखो शीलर और हर्बर्ट ने अतिरिक्त शिक्षा का सिद्धांत बनाया, अतिरिक्त शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है, किसने, शीलर तथा हर्बर्ट ने। उसके बाद है लॉर्ड क्रिप्स शक्तिवर्धन का सिद्धांत, शक्तिवर्धन का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है कार्ल ग्रूस का भावी जीवन की तैयारी का सिद्धांत, किसका, भावी जीवन की तैयारी का सिद्धांत। और यूनान के जो दार्शनिक हैं उनका नाम है अरस्तु, इनके रेचन का सिद्धांत, यदि खेल से सम से सिद्धांत से प्रसिद्ध, यदि मतलब ये सारे के सारे एक तरह से क्या है, जो जो स्पोर्ट्स हैं उनके अलग अलग सिद्धांत ये प्रसिद्ध सिद्धांत ये हैं। ठीक है, खेल को परिभाषित करते हुए ग्यूलिक ने अपनी पुस्तक फिलोसफी ऑफ प्ले में लिखा है, जो कार्य आप अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है। इन्होंने क्या बताया कि जो, किसने बताया है, ग्यूलिक ने बताया है कि, और कौन सी बुक में बताया है, फिलोसफी ऑफ प्ले में इन्होंने बोला कि जो भी कार्य, जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है। फिर आती है आपकी आगमन विधि। देखो आगमन विधि में क्या है कि कोई भी टीचर है जब वो पढ़ा रहा है तो वो सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करता है, ठीक है, और बाद में वो किस में आता है, सिद्धांत में आता है या संप्रत्यय में आता है, ठीक है, बाद में उसका स्पष्टीकरण करता है। तो इस आधार पर निश्चित जो परिणाम होंगे, ठीक है, निश्चित परिणाम निष्कर्षों की व्याख्या करता है एक तरह से ये, ठीक। इस विधि का प्रयोग व्याकरण शिक्षण में अधिक किया जाता है, ठीक है, जब आपको व्याकरण पढ़ाना है तो उस टाइम यहाँ पे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके जो जन्मदाता है वो माने जाते हैं फ्रांसिस बेकन माने जाते हैं। आगमन विधि में मूर्त से अमूर्त, विशेष से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म आदि शिक्षण जो सिद्धांत है उनका प्रयोग किया जाता है। फिर आती है आपकी निगमन विधि। अब देखो निगमन विधि दी गई है अरस्तु के द्वारा और इसमें एकदम अलग होगा आगमन से। इसमें क्या होगा, पहले बताए जाएंगे संप्रत्यय और सिद्धांत और बाद में उनके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। अब निगमन विधि जो है वो एक तरह से आगमन के एकदम क्या है, अपोजिट है। निगमन विधि में जो टीचर्स और स्टूडेंट्स होते हैं वो दोनों के दोनों क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। अब आती है नेक्स्ट हर्बर्ट विधि। देखो हर्बर्ट विधि के संबंध में ये धारणा है कि जो समस्त जो भी ज्ञान है, ठीक है, बच्चा जो भी नॉलेज ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है, वो कहीं बाहर से ले रहा है, ठीक है, तो ज्ञान बाहर से शिक्षार्थी को दिया जाता है और वो क्या करता है, ज्ञान संचित होता रहता है, ठीक है, और जो ये ज्ञान जो है बाहर से मिल रहा है बच्चे को वो क्या है, एक जगह पे स्टोर होते रहेगा।
यदि नवीन ज्ञान को, जो जो नया ज्ञान है, जो नई इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है, अगर उसको प्रीवियस वाली जो उसके पास नॉलेज है उससे जोड़ दिया जाए तो वो और आसानी से सीखेगा। यही यहाँ पे बोला है कि सीखने में सुगमता होती है। सीखने की परिस्थितियों में इकाइयों को तर्कसंगत प्रस्तुत करना चाहिए। जो इकाइयाँ होंगी उनको क्या करना चाहिए? तर्कसंगत प्रस्तुत करना चाहिए। इकाई की क्रियाओं को एक क्रम में संपादित करना चाहिए, क्रम होना चाहिए उसका संपादित करने का। इसके लिए हर्बर्ट ने यहाँ पे देखो 5 सोपान की बात करी है, ठीक है? तो 5 सोपान को ही उन्होंने क्या कहा है? पंचपदी कहा है। तो आइए देखते हैं पंचपदी क्या चीज़ है। देखो सबसे पहले पंचपदी में आती है आपकी प्रस्तावना, फिर है प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और मूल्यांकन। तो ये क्या है? ये 5 पंचपदी हैं। कौन कौन से? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और मूल्यांकन। अब नेक्स्ट आती है आपकी मॉन्टेसरी विधि। तो हमें पता है ये मारिया मॉन्टेसरी ने इसको दिया है, और इन्होंने अपनी विधि में इस बात पर अधिक बल दिया है। किस बात पर? कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, को अपने अधिगम के जो उद्देश्य हैं उनका स्पष्ट रूप से उनको वो, यानी कि उनको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं या क्या करना है। शिक्षण में छात्रों की आवश्यकता को प्रधानता दी जानी चाहिए जिससे वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। मॉन्टेसरी जो विधि है उसमें शिक्षण के चक्रीय योजना के प्रारूप में 5 सोपानों का अनुसरण किया गया। अब कौन कौन से ये 5 सोपानों की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये करते हैं आपके 5 सोपान में। देखो पहला योजना, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, व्यवस्था और वर्णन। ये 5 यहाँ अलग अलग सोपान हैं। नेक्स्ट आती है आपकी मूल्यांकन विधि। इस विधि के प्रतिपादक B.S. ब्लूम है। इसमें शिक्षण तथा परीक्षण उद्देश्य केंद्रित होता है। तो इसमें जो शिक्षण है और जो परीक्षण है वो एक तरह से उद्देश्य केंद्रित है। शिक्षण के लिए जो भी आयोजित सभी शिक्षकों की क्रियाएं उद्देश्य केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है? वो क्या होनी चाहिए? उद्देश्य केंद्रित होनी चाहिए। मूल्यांकन विधि का अर्थ विद्यालय द्वारा हुए बालकों के व्यवहार परिवर्तन के विषय में जो भी इनको साक्ष्य मिले उनका संकलन करना तथा उनकी व्याख्या करना करने की प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन विधि एक तरह से क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, जो भी बच्चे का बिहेवियरल जो चेंज हुए हैं, ठीक है, कि विषय में साक्ष्यों का एक तरह से हम संकलन करते हैं और उनकी फिर व्याख्या भी करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और होप्स हो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ बेनिफिट आपको हो रहा हो, ठीक है? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।